सीताराम गुरु जी। हाँ सीताराम बोलो। हमारा कोई भाई नहीं है जी, बहन इकलौते हैं हम, तो हमारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य में? माता पिता के लिए। भाई का फर्ज भी आपको निभाना चाहिए। गुरु जी शादी हो चुकी है, फिर जितनी सामर्थ्यता हो सके उतनी सामर्थ्यता अनुसार कि दोनों गृहस्थ जीवन चल जाए, दोनों परिवार चल जाए, कोई भी रोड़ा ना बने, और इस भाव को दृष्टिकोण रख करके आपको माता पिता को शब्दों में, भाव में, मन से सेवा करके ये दृढ़ता दिलानी पड़ेगी कि आप ही उनके लिए बेटा हैं और आप ही बेटी है। बहन भाई कोई नहीं है हमारा। तो आपको ही दोनों पक्ष निभाने पड़ेंगे, और जरूरी नहीं है 24 घंटे उनके पास रहो, पर हाल आजकल तो मोबाइल बहुत अच्छा है, तो अभी तो हम उनके साथ ही रहते हैं। बहुत अच्छा है, फिर तो छोड़ो ही मत, कोशिश ये करो, लेकिन ऐसी नहीं है परिस्थिति, तो दोनों परिवार के पक्ष को देखते हुए आपको उनके पुत्र का भी भाव निभाना चाहिए। सीताराम गुरुजी, श्री सीताराम। और एक अंतिम बात बोल दें, अध्यात्मिक, रुक जाओ, इनका प्रश्न भी बहुत अच्छा था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया। श्री ठाकुर जी को लेकर के आप अपनी माता जी को सौंप दीजिए और उनसे कह दीजिए कि आज से आपके पुत्र यही हैं और आप आज से ही ठाकुर जी को अपना भाई मान लीजिए।